आज हम इंजन के बारे में पढ़ेंगे। इंजन हमारे वाहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इंजन हमारे ऑटोमोबाइल का दिल होता है। इंजन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन। आंतरिक दहन इंजन, जिसमें तेल इंजन के अंदर चलता है, उसे हम आंतरिक दहन इंजन कहते हैं, जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और गैस इंजन। बाह्य दहन इंजन, ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल इंजन के बाहर जलता है, उसे बाह्य दहन इंजन कहते हैं, जैसे बाफ इंजन जो रेलगाड़ी में प्रयोग किया जाता है। आंतरिक दहन इंजन में हमारा जो पेट्रोल इंजन होता है, उसके अंदर फ्यूल और हवा का मिक्सचर इंजन के अंदर जाता है और स्पार्क प्लग की सहायता से इंजन को जलाया जाता है। डीजल इंजन में हमारा फ्यूल बाद में भेजा जाता है, पहले एयर को इंजन में भेजकर कंप्रेस किया जाता है और फ्यूल को इंजेक्टर की सहायता से इंजन के अंदर भेजा जाता है। ये हमारा डीजल इंजन के अंदर होता है। पेट्रोल इंजन को हम स्पार्क इंजन भी बोल सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, स्पार्क प्लग, यहाँ पर हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर आएगा, उसके बाद स्पार्क प्लग के द्वारा उसको चलाया जाएगा। डीजल इंजन, डीजल इंजन में क्या होगा, सबसे पहले हमारे एयर इंजन के अंदर आएगी, वो कंप्रेस होगी, उसके बाद इंजेक्टर के द्वारा इंजन में डीजल को भेजा जाएगा, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट है आईसी इंजन के हिस्से। हमारा जो इंटरनल कंबशन इंजन है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। सबसे पहले है सिलेंडर। सिलेंडर इंजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अंदर हमारा पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है। उसके बाद है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड को सिलेंडर के ऊपर फिट किया जाता है। इसमें इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, स्पार्क प्लग या इंजेक्टर लगा होता है। उसके बाद है पिस्टन और पिस्टन रिंग। पिस्टन और पिस्टन रिंग, पिस्टन हमारे इंजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह गोलाकार होता है जो सिलेंडर के अंदर मूव करता है। उसके बाद पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग को पिस्टन के ऊपर माउंट किया जाता है, जो कांच दिए होते हैं इसके अंदर हमारी पिस्टन रिंग को फिट किया जाता है, जो प्रेशर को लीक होने से बचाती है। यह हमारे गोलाकार की होती है। पिस्टन के अंदर हम तीन रिंग का प्रयोग करते हैं, जो फर्स्ट और सेकेंड रिंग होते हैं वो कंप्रेसर काम करती है, और जो थर्ड रिंग होती है अपनी वो लुब्रिकेशन का काम करती है। नेक्स्ट अपना कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्ट होती है। यह पिस्टन को ऊपर नीचे घुमाने में सहायता करती है। उसके बाद है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट, इसमें हमारी कनेक्टिंग रोड कनेक्ट होती है, जो पिस्टन को अप एंड डाउन करने में सहायता करती है। नेक्स्ट अपना पिस्टन पिन। यह कनेक्टिंग रोड और पिस्टन को ज्वाइंट करने का काम करती है। अगर इसके अंदर पिस्टन पिन नहीं है तो हमारा पिस्टन और कनेक्टिंग रोड दोनों अलग हो सकते हैं। उसके बाद है इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। इंजन के अंदर हम दो वाल्व प्रयोग करते हैं, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व में हमारा एयर फ्यूल, अगर पेट्रोल इंजन है तो उसके अंदर जाएगा, अगर डीजल इंजन है तो केवल हवा इनलेट वाल्व के थ्रू जाती है। एग्जॉस्ट वाल्व का प्रयोग हम फ्यूल के जलने के बाद जो धुआं रहता है उसको बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वाल स्प्रिंग, वाल को बंद करने के लिए हम वाल स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपना इनलेट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड में हमारा जो हवा और फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर भेजने का काम किया जाता है, अगर वो पेट्रोल इंजन है तो। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इसके अंदर, इसके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में हमारा धुआं इंजन से बाहर भेजने का काम किया जाता है। उसके बाद है कैमशाफ्ट। ये अपने कैमशाफ्ट है जो इंजन के ऊपर फिट की जाती है। यह वाल्व को खोलने का काम करती है। उसके बाद है रेडिएटर। रेडिएटर अपना कूलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यह बड़े वाहनों में प्रयोग किया जाता है। इंजन को ठंडा करने के लिए हम इसके अंदर कूलेंट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील का प्रयोग शक्ति को इकट्ठा करना और आगे भेजने का होता है। यह इंजन के अंदर प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का प्रयोग हम पेट्रोल इंजन में करते हैं, यह हवा और तेल के मिक्सचर को आगे भेजने का काम करता है। स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग का प्रयोग भी हम पेट्रोल इंजन में करते हैं, यह फ्यूल के हवा और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको जलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर का प्रयोग हम डीजल इंजन में करते हैं, जो डीजल को इंजन में भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है।